गुआंगडोंग चाइना 2005। काफी रात थी और एक फैक्ट्री मैनेजर धीरे धीरे चलते हुए असेंबली लाइन से होकर बगल के वेयर हाउस में पहुंचा जहां एक मीटिंग होने वाली थी। कुछ लोग वहां पहले से इंतजार कर रहे थे। वो नहीं जानता था कि ये लोग कौन हैं, पर उसके सोर्स के मुताबिक वो लोग खास लोग थे। बिना समय खराब किए मैनेजर ने उन्हें एक खिलौना प्रेजेंट किया जिस पर वो और उसके सहकर्मियों ने पिछले कई महीनों से काम किया था। वहां पर आए लोगों ने खिलौने को अच्छे से परखा और उन्हें खिलौना अच्छा लगा, लेकिन ऑपरेशन के दूसरे फेज में मूव करने से पहले फाइनल अप्रूवल लांगले से लेना जरूरी था। लांगले वर्जीनिया, ये वही जगह है जहां सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA USA का हेडक्वार्टर है। यूसी ये लोग CIA से थे और ये ऑपरेशन जो होना था यदि सक्सेसफुल हो जाता है तो मॉडर्न टाइम्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक देगा। पर कैसे, क्या था ये खिलौना और वो किसे टारगेट बनाना चाहते थे? ये जो हुआ वो तो 2005 में हुआ, पर इस मूवमेंट के पीछे 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक से शुरू वो कहानी थी जिसने इस ऑपरेशन का रास्ता बनाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। न्यूयॉर्क, September 11, 2001। दो कमर्शियल प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर में घुस गए थे। ये लोअर मैनहट्टन की बात है। तीसरे प्लेन पेंटागन पर गिराया गया और चौथा और आखिरी प्लेन जिसे हाईजैक किया गया था रूरल पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया। ये उस पर ऑनबोर्ड पैसेंजर्स के इंटरवेंशन से हुआ था। ये चारों एयरलाइंस जैसा कि हम जानते हैं हाईजैक किए गए थे, जो अलकायदा का USA के अगेंस्ट हमला था। इस अटैक में 3000 लोग मारे गए और 6000 लोग घायल हुए। इस पैमाने का ये ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक का सबसे भयानक टेररिस्ट अटैक था। उसामा बिन लादेन पहले से ही नैरोबी USA एम्बेसी बॉम्बिंग्स के कारण FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, लेकिन 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद USA ने कोलिजन फोर्सेस के साथ वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया और इसलिए अफगानिस्तान को इन्वेट किया ताकि अलकायदा को खत्म किया जा सके और तालिबान रजीम को आउट किया जा सके। महीनों लड़ने के बाद कई फाइटर्स नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान भाग गए जहां से वो ऑफेंसिव लॉन्च करते रहे। ये वॉर खत्म नहीं होने वाला था। फास्ट फॉरवर्ड कर हम 2005 में आते हैं। इस साल तक USA को अफगानिस्तान में लड़ते हुए 4 साल हो चुके थे। तब अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में गुडविल डेवलप करने के लिए CIA ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें बच्चों को गिफ्ट आइटम्स दिए जाते थे। ये आइटम्स जनरली पेंसिल्स, नोटबुक, खिलौने एक्सेट्रा हुआ करते थे। ये सभी बैकपैक्स में डालकर इजिली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, ब्लू बैग यानी बॉयज़ के लिए और पिंक बैग गर्ल्स के लिए। ये लोकल्स द्वारा अप्रिशिएट भी किया जाने लगा। इस वक्त तक डिस्पाइट बिन लादेन सालों से फ्यूजिटिव था, इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे ढूंढ नहीं पा रही थी, लीड्स थी वो कहीं लीड नहीं कर रही थी और उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। FBI ने एक $25 मिलियन की बाउंटी यानी इनाम भी उसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर रखा था, लेकिन इससे भी कोई एक्शनेबल इंटेल जनरेट नहीं हो रही थी। बिन लादेन का कैप्चर को चकमा देना एसेंशियली अलकायदा को मजबूत कर रहा था और रीजन में लोगों को ये मैसेज दे रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का पावर और इन्फ्लुएंस इंड्योर कर रहा था। ऐसे में CIA को समझ आया कि उन्हें एक दूसरी अप्रोच लेने की ज़रूरत है। ये अप्रोच अनकन्वेंशनल होगी और कुछ लोगों के लिए अनसेटलिंग भी हो सकती थी, लेकिन उनके दिमाग में जो चल रहा था वो उनके एक्सपर्टीज से काफ़ी अलग था, तो उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से हेल्प लेने का प्लान किया। इस इंडिविजुअल का नाम था डोनाल्ड लेविन। टॉय इंडस्ट्री में ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स, हैसब्रो का फॉर्मर बिजनेस एग्जीक्यूटिव जहां पर उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हेड किया था। हैसब्रो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टॉय मेकर कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है। इस कंपनी ने ट्रांसफॉर्मर्स, पावर रेंजर्स, GI जोय टॉय एक्सेट्रा बनाए हैं, पर CIA चाहता था कि लेविन एक नया प्रोडक्ट बनाए। CIA चाहता था कि एक बहुत स्पेशल मिशन के लिए एक स्पेशल टॉय बनाया जाए। पहले हेजिटेंट होने के बाद लेविन इवेंचुअली राजी हो गए, लेकिन अब दूसरा स्टेप था कि 13,000 किलोमीटर दूर गुआंगडोंग चाइना जाना। लेविन के लिए ये इलाका फैमिलियर था क्योंकि उसने करीब 60 साल तक इस रीजन में बिजनेस किया था और कॉन्टैक्ट्स का वास्ट नेटवर्क तैयार किया था। हैसब्रो के मोस्टली टॉयज ईस्ट एशिया में मैन्युफैक्चर किए जाते थे। इस प्रोसेस के थ्रू CIA के पास अब अपने सीक्रेट प्रोडक्ट को डिस्क्रीटली डेवलप करना और मैन्युफैक्चर करने का जरिया था। ये USA में करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता। इस काम को प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ करने के लिए चाइनीज आर्टिस्ट और डिजाइनर भी एनलिस्ट किए गए।
इसके कुछ महीनों बाद ही मैनेजर ऑपरेटिव से गुआंगडोंग के वॉरहाउस में मिलता है। इसके पास फाइनल प्रोडक्ट था, ये एग्जैक्टली वैसा था जो इन्विजन किया गया था और बनाने को कहा गया था। क्या था ये खिलौना? उनके हाथ में 12 इंच का उसामा बिन लादेन जैसा दिखाई देने वाला एक खिलौना था। एक कस्टम मेड टेररिस्ट एक्शन फिगर एक ट्विस्ट के साथ बनाया गया था। प्लान ये था कि इस खिलौने को अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में भेजा जाना था, चीपली पैकेज कर इसे बच्चों में बांटा जाना था। CIA के पास इसके लिए कवर पहले से मौजूद था, वही प्री एग्जिस्टिंग गुडविल प्रोजेक्ट। ऐसे में खिलौनों पेंसिल्स बॉक्सेस के बीच बिन लादेन गुप्त रूप से बैग में रहने का क्या पता चलेगा? इस तरह से ये खिलौना एक नेशन वाइज स्केल पर अनसस्पेक्टिंग बच्चों को दिया जाने लगा। जब वो इस टॉय को देखते वो हर जगह इससे खेलते, एंड देयर आफ्टर देयर वाज ओनली फन एंड गेम्स। तब तक जब तक उस खिलौने का चेहरा पिघलना शुरू हो जाता और एक डेमन फेस सामने आता जिसकी हरी आंखें, लाल स्किन और ब्लैक मार्किंग्स होती। ये कोई ऑर्डिनरी डॉल नहीं थी, क्योंकि डॉल स्पेसिफिकली डिजाइन की गई थी ताकि फियर और एंग्जाइटी इंड्यूस की जा सके। डॉल को एक हीट सेंसिटिव मटेरियल से पेंट किया गया था जो कुछ वक्त के बाद निकलने लगता था। ऐसे में बच्चे और उनके पेरेंट्स सीरियसली डर जाएंगे और वास्तविक बिन लादेन को भी उसी की तरह एक मॉन्स्टर के जैसे देखना शुरू कर देंगे। उसे डिह्यूमनाइज करेंगे और टेररिस्ट लीडर को आइडल मानकर कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे, या एटलीस्ट कम कर देंगे। एम था कि पब्लिक ओपिनियन को स्ट्रेटजिकली अलकायदा के अगेंस्ट करना, इससे पॉसिबली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिन लादेन का कैप्चर और अलकायदा की हार को एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इस कोवर्ट साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का नाम था डेविल आइज। As we have said, इस प्रोजेक्ट का फाइनल अप्रूवल CIA हेडक्वार्टर से आने वाला था। 2005 तक करीब आधा दशक बीत चुका था और CIA उस वक्त तक ड्रोन्स, स्पाइस, ट्रैकिंग डिवाइसेस और सैटेलाइट से अलकायदा से लड़ रहा था। डिटेनीज और रेडियो ट्रांसमिशन के इंटरसेप्शन से CIA को बिन लादेन की ट्रेल पर सही डायरेक्शन में होना समझ आने लगा था। तो जब हेडक्वार्टर्स में एक पैकेज आया जिसमें फनी लुकिंग बिन लादेन का खिलौना था, शायद ऑपरेशन डेविल आइस की लेजिटिमेसी पर सवाल खड़े हुए, जो एक साल पहले पिच किया गया था और वो भी अलग मैनेजमेंट के अंडर। अब वियर्ड लगने लगा था। शायद उन्हें लगा कि उनके पास अब एक्शनेबल इंटेल है, या उन्हें इस ऑपरेशन के कॉस्ट को लेकर दिक्कतें थीं, या पॉलिटिकल ब्लोबैक सामने आया, या उन्हें केवल रेट्रोस्पेक्ट करने पर ये एक रिडिकुलस प्लान लग रहा था। और मे बी उन्हें लगा कि कोई यंग अफगानिस्तानी स्टार वॉर्स फैन इस खिलौने को जिहादिस्ट डार्थ मॉल समझेगा। जो भी रीजन था, पर CIA ने ये सब काम करने के बाद, पूरा सेटअप हो जाने के बाद, टॉय के इंस्पेक्शंस एक्सेट्रा के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। अब कोई मास प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना था और चाइना में इस ऑपरेशन के सारे ट्रेसेस वाइप आउट कर दिए गए। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंगली CIA ने तब से अब तक जो भी क्लेम किए हैं, कुछ सोर्सेज बताते हैं कि गुआंगडोंग में जो फैक्ट्री इस मिस्ट्री खिलौने को मैन्युफैक्चर कर रही थी, 2006 में मिस्टेकन प्री प्रोडक्शन रन में फ्यू हंड्रेड टॉयज मैन्युफैक्चर किए थे। इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान के शहर कराची भी एक फ्रेट शिप पर शिप हो गए थे। यदि ये सच है तो इसका मतलब है कि हंड्रेड्स ऑफ बिन लादेन टॉयज आज भी सर्कुलेशन में मौजूद हैं। ऑफिशियली CIA के मुताबिक केवल 3 बिन लादेन टॉयज प्रोटोटाइप्स के रूप में मौजूद हैं। इनमें से 2 डोनाल्ड लेविन के बेटे नील लेविन द्वारा ऑपरेशन शुरू होकर बंद होने के बाद 2 साल बाद बेसमेंट में पाए गए थे। डोनाल्ड लेविन की डेथ हो चुकी थी। इन 2 टॉयज का ऑक्शन हुआ था, जो एक एनोनिमस बायर ने ह्यूज अमाउंट में खरीदा है। एक डॉल अब भी CIA के पोजीशन में रखी हुई है, जो लैंगली वर्जीनिया यानी CIA के हेडक्वार्टर में मौजूद है। 5 साल बाद यानी May 2, 2011 में CIA ने एक कुरियर को ट्रैक किया जो एक कंपाउंड में लीड कर रहा था। इस कंपाउंड में CIA लेड ऑपरेशन नेपच्यूर स्पियर कंडक्ट किया गया, जिसमें जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड भी शामिल थे। रात में करीब 1 बजे सील टीम 6 के 79 कमांडर्स और एक डॉग ने 40-मिनट रेड में ओसामा बिन लादेन को ढूंढ कर मार डाला। दोस्तों, यह है कहानी CIA द्वारा निर्मित एक सीक्रेट टॉय की, जिसको ओसामा बिन लादेन को टैकल करने के लिए यूज किया जाना था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।